हेलो गाइस दिस इज आरती चौधरी सभी को बिल्कुल वेरी गुड इवनिंग राधे राधे राव मिठू मिठू बेटा अभी क्लास है अभी क्लास है ऑडियो ऑडियो वीडियो सब कुछ ओ लोग है एक बार जरा कमेंट कर दीजिए ऑडियो वीडियो सब कुछ ऑल ओके है गुड 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 इवनिंग 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 नहीं वीडियो ऑडियो सब कुछ ओके है वो बच्चा एक छोटा बच्चा हमारे साथ फिलहाल एक्चुअली स्टूडियो में है तो उसकी आवाजें आपको आ रखी हैं ये देखो आपको दिखाई भी दे रहा होगा लाओ मिठू अब दे दो ठीक है अभी आप बाहर खेलो फिर हम आते हैं ओके एक सेकंड एक सेकंड

देखो बच्चा आज आज आपकी आपकी पहली क्लास है, ना? आज ही आपकी पहली क्लास क्लास है 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 ठीक ना तो आप लोगों ने टॉपिक लगा हुआ देख ही लिया होगा आज हमको क्या कवर करना है साइटोलॉजी लेकिन साइटोलॉजी को सीखने के लिए आपको कुछ चीजें बेसिक से स्टार्ट करनी होगी ठीक है आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक से स्टार्ट करनी होंगी लाइक पहले जो आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं ठीक है ठीक है आपके जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बायोलॉजी क्या है जुलोजी क्या है है ना इस तरह के कुछ जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो बच्चा हम पहले आपका कवर करेंगे स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है आ, वीडियो बच्चा आ रही होगी ऐसा तो नहीं हो सकता मैंने अपने यहाँ से तो वीडियो ऑन की हुई है मुझे तो यहाँ से सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है एक बार जरा आप कन्फर्म कर दीजिए कि वीडियो ओके है या नहीं है ठीक है कि वीडियो ओके है या नहीं है ये भी आप मुझे एक बार कन्फर्म कर दीजिए बाकी मेरे यहाँ से सब कुछ ठीक दिख रहा है हाँ 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 यस बच्चा बच्चा अमित ओके है ना सब कुछ ओके है ठीक है भाई चलो एक बार जरा सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करेंगे आप लोग बोर्ड पर और देखो बच्चा लिखने की कोई जरूरत नहीं है मैं आप लोगों के पूरे नोट्स दूंगी पीडीएफ की फॉर्म में तो आप लोग लिखने पर समय अपना बिल्कुल ना करें। आप लोग को समझने पर बायोलॉजी तो जो है बच्चा ये आपका दो शब्दों से मिलकर मिना है, बना है एक बायो और एक आपका लॉजी बायो शब्द का मतलब होता है आपका ऑल लिविंग बींग ठीक है यानी जितने भी आपके सजीव हैं वो सबके सब में आते हैं आपके बायो शब्द के अंदर इंक्लूड होते हैं और इस लॉजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी टू स्टडी यानी जिसमें आप सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा बायोलॉजी बोलते हैं ठीक है बायोलॉजी बोलते हैं जिसमें आप सभी सजीवों का अध्ययन करते हो अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी फादर ऑफ बायोलॉजी हम किसको बोलते हैं तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसको कहते हैं आपका एनी गेस किसी को पता है एरिस्टोटल यानी साहब को ठीक है ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं ठीक है लाइक like, यदि मैं आपसे बात करूं बच्चा कि अपनी आईलेसिस के बारे में पढ़ना आंखों के बारे में नाक के बारे में मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स है ना उनके जितने भी पार्ट्स हैं उन सबकी स्टडी आपके बायोलॉजी के ही अंदर आपकी इंक्लूड होती है

जुलोजी यानी कि आपका जंतु विज्ञान जुलोजी यानी आपका जंतु विज्ञान ओके दैन उसके बाद में बच्चा आपका बोटनी क्या बच्चा आपका बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान बोटनी यानी आपका वनस्पति विज्ञान ठीक है आपका वनस्पति विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी जैसे बैक्टीरिया वायरस इन सब के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी माइक्रोबायोलॉजी ही होती है सूक्ष्म जीव विज्ञान ठीक है सूक्ष्म जीव विज्ञान एंड फोर्थ वन इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स यानी आपका अनुवांशिकी ठीक है जी

जिसमें इन्होंने अलग अलग 500 एनिमल्स के बारे में बताया था जिसमें इन्होंने अलग अलग 500 एनिमल्स के बारे में बताया था इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं फादर ऑफ ज़ुलोजी और फादर ऑफ बायोलॉजी आपका सेम ही है क्या बच्चा आपके बिल्कुल अरस्तु साहब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज द फादर ऑफ बोटनी तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस क्या बच्चा आपको साहब को हम लोग फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं अब देखो जो साइंटिस्ट होते हैं ना उनमें एक दूसरे से उन्होंने 500 एनिमल्स के बारे में बताया यार बायोलॉजी और जूलॉजी का किताब तो इन्होंने जीत लिया मैं भी कुछ ना कुछ करता हूँ तो थियोफ्रेस्टस साहब ने एक किताब लिखी हिस्टोरिया ऑफ प्लानिटेरम हिस्टोरिया ऑफ प्लानिटेरम जिसमें इन्होंने अलग अलग 500 प्लांट्स के बारे में बताया जिन्होंने जिसमें इन्होंने अलग अलग प्लांट 500 प्लांट्स के बारे में बताया इसीलिए हम लोग फादर ऑफ किसको बोलते हैं आपका थियोफ्रेस्टस साहब को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग बोलते हैं ए वी होक को ए ल्यूवेन होक साहब को हम लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं ठीक है आपका okay. आपको सारे नोट मिलेंगे ठीक है विशाल क्या डाउट है यहां तक बताइए मैम वीडियो नहीं चल रहा है गौरव मेरे यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे यहाँ से वीडियो एकदम क्लियर है क्लियर भाई वीडियो नहीं बच्चा उसका डेमो है आज आपका ठीक है कोई डाउट नहीं है मैम कोई डाउट नहीं है मैम भैया देखो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूंगी जिसकी हिंदी होगी मैं उसकी हिंदी लिखूंगी एवी ल्यूवेन होक को हिंदी में एवी ल्यूवेन होक ही कहा जाता है ग्रिगोर मैंडाल को हिंदी में ग्रिगोर मैंडाल ही कहा जाता है बहुत ज्यादा हिंदी टर्म साइंस में नहीं होती है ठीक है चलो अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारा जो ये सुंदर काया है हमारा जो ये सुंदर शरीर है ये किससे मिलकर बना होगा मतलब सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी चीज हमारे शरीर के लिए क्या बनी होगी तो आप लोग आंसर बोलोगे क्या सेल यानी यदि आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ बॉडी यूनिट ऑफ बॉडी या यूनिट ऑफ आपका एनिमल्स क्या होती है सेल सबसे छोटी आपकी यूनिट क्या होती है कोशिका होती है ठीक है सबसे छोटी आपकी यूनिट होती है सेल ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं आपके टिश्यू यानी आपके ऊतक टिश्यू यानी आपके ऊतक ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बनते हैं आपके ऑर्गन यानी आपके अंग क्या बचा आपके अंग बनते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर आपका बनाते हैं क्या ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम यानी आपका अंग तंत्र ओके और इन अंग तंत्रों से मिलकर बनता है हमारा शरीर ठीक है ये आपकी बॉडी ये आपकी बॉडी तो यानी यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे कोशिका है साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वोट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ बॉडी शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है वहां भी आपका आंसर सेल ही होगा यानी कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ यूनिट ऑफ बॉडी तो क्या होगी बच्चा ये आपका सेल ही होगा ये भी आपका सेल ही होगा आपकी कोशिका ही होगी मैम आपने कितने क्वेश्चन करा दिए अभी तो बच्चा बस आपकी क्लास शुरू ही हुई है कुछ समय पहले ठीक है ओके जी चलो अब यदि मैं आपसे बात करूं कि सेल कितने प्रकार की होती है बताइए सेल कितने प्रकार की होती है यानी टाइप्स ऑफ सेल सेल कितने प्रकार की होती है तो आपका आंसर होगा मैम दो प्रकार की एक होती है प्रियो कैरियोटिक सेल प्रियो कैरियोटिक सेल और एक होती है आपकी यू कैरियोटिक सेल यू कैरियोटिकल कैरियोटिकल प्रो शब्द का मतलब होता है आपका प्रिमिटिव इस प्रो शब्द का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी प्राचीन प्रिमिटिव यानी प्राचीन टेक्नोलॉजी ज्यादा एडवांस हो चुकी है आपकी और ये इतनी एडवांस हो गई है कि ये अब हमारे हिलने डुलने को भी नोटिस करती है थोड़ी सी देर बोर्ड पे एक साथ खड़े रह जाएंगे तो लाइट बंद हो जाएगी ठीक है हाँ बिल्कुल देखो बहुत सारे बच्चों का जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं उनके आंसर आने भी शुरू हो गए मैम प्रियो कैरियोटिक एंड यू कैरियोटिकोटिक एंड यू कैरियोटिक देखो कैरियो शब्द का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस इस कैरियो शब्द का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस क्लियर जी ओके न्यूक्लियस होता है यानी जहां पर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जहां पर आपका वेल well डिफाइंड मतलब तुम पता नहीं कर सकते हो कि ये इसका न्यूक्लियस है उस तरह की सेल्स आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं और जहां पर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है जहां पर आपका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है इसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं अब आप सोचोगे मैम एग्जाम में जाके इतना बड़ा सिलेबस है हिस्ट्री पॉलिटी सब तो पढ़ना है कहां याद रहेगा ये तो ये ऐसे याद रहेगा ट्रिक के जरिए आप याद करोगे यूपी उत्तर प्रदेश कोई भूल सकता है उत्तर प्रदेश को नहीं बाबा कोई नहीं भूल सकता यूपी यानी यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इस ट्रिक से यदि आपको यूकैरियोटिक याद है तो प्रोकैरियोटिक अपने आप आपको याद हो जाएगा कि इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता इसमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाता क्लियर जी ओके ठीक है जी अब यदि मैं आपसे बात करूं कि यानि सजीव यानी सजीव कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी आप लोग बोलोगे मैम दो प्रकार के दो प्रकार के के होते होते हैं हैं मैम दो तो हम आपसे बोलेंगे भैया कौन कौन से तो आप बोलोगे एक होते हैं आपके यूनिसेल्युलर यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जीव और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर यानी बहु कोशिकीय जीव यूनिसेलुलर यानी जिसके अंदर आपकी एक सिंगल सेल ही पाई जाती है जिनके अंदर आपकी एक सिंगल सेल ही, ही कोशिका हम बोलते है।, ठीक है जैसे कि आपका, आपका अमीबा ठीक है ये आपका किसमें आता है यूनिसेलुलर में आता है मल्टी सेलुलर भाई जिनके अंदर आपकी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हो मल्टी सेल्स प्रेजेंट हो वो आपके मल्टी सेलर हो गए जैसे कि हम लोग यानी ह्यूम किस में आते मल्टी सेलर में आते हैं जितने भी एनिमल्स हैं किस में आते है मल्टी सेलर में आते हैं मल्टी सेल्यूलर में आते हैं है। जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी वो आपके सब मल्टी सेलर में आएंगे ठीक है आपका अमीबा युगलीना पैरामीसियम सब सिंगल में आते हैं ये अब देखो कोई भी अगर सजीव है तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती होंगी ना कुछ तो विशेषताएं अलग होती होंगी भाई जैसे ये मार्कर है ये आपका क्या है निर्जीव है कैसे पता लगा ये निर्जीव है और हम लोग सजीव है भाई कुछ तो होती होंगी कुछ तो तुमने क्राइटेरिया सेट किया होगा कि कोई सजीव है और कोई आपका निर्जीव है पहले जब हम बचपन में एक डेफिनेशन हमें हमारे टेच टीचर बताते थे बोलते थे बच्चा देखो जो चीज चल फिर सकती है वो आपकी सजीव है और जो चीज चल फिर नहीं सकती है अचल रहती है वो निर्जीव है अब हम जब बड़े हुए तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार प्लांट्स को लेके कोई क्वेश्चन आया था कि पेड़ पौधे सजीव हैं अब हम चकरा गए भैया हमारे टीचर ने तो बोला था कि ये जो चीज चल फिर नहीं सकती वो तो निर्जीव होगी ये बोल रहे हैं कि प्लांट पेड़ पौधे पेड़ जो होते हैं सजीव है बड़ी टेंशन वाली बात कुर्सी को हम लोग ऐसे खिसका देंगे वो भी चल जाती है बड़े कंफ्यूज होते थे तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिससे आपको पता लगता है कि कोई भी चीज आपकी सजीव है सबसे पहला होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहला आपका क्या होता है सेल ऑर्गेनाइजेशन यानी सारी कोशिकाएं आपकी व्यवस्थित होंगी जैसे हाथ की कोशिका हाथ में पैर की कोशिका पैर में मतलब जिस अंग की कोशिका है वो उसी पार्ट में पाई जाएगी ऐसा नहीं है इधर-उधर घूमती रहेंगी ये हो गया पहला तो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है प्रोटोप्लाज्म यानी जितने भी आपके सजीव होंगे उन सभी में आपका जीव द्रव्य पाया जाएगा उन सभी में आपका जीव द्रव्य पाया जाएगा तीसरा मेटाबॉलिज्म, तीसरा क्या होगा आपका मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि जितने भी आपके सजीव होते हैं जितने भी आपके सजीव होते हैं भाई उनके शरीर में एनर्जी गेन करने का प्रोसीजर क्या है ठीक है हाँ बिल्कुल जिनमें जान नहीं होती है मैम वो निर्जीव होते हैं जानवी जी कह रही मैं ना अधिकतर हो सकता है, स्कूल में अभी भी टीचर सिखाया गया था। है ना वो जो बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज है ऊपर ऊपर से बस समझा दिया ठीक है अपनी नौकरी कर रहे हैं वो वाली चीज बट एक्चुअली में ये नहीं होता मेटाबोलिज्म यानी कि जो भी आपने किसी भी चीज को जिंदा रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है किस तरह से वो एनर्जी हमारे शरीर में जाकर क्या प्रोसीजर होता है वो सारा का सारा आपका मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है आप लोग फोर्थ नंबर पर मैं खुद भी तुम्हें बहुत आसान लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझा रही हूँ रेस्पिरेशन है ना रेस्पिरेशन यानी श्वसन जितने भी सजीव होंगे वो सब श्वसन की प्रक्रिया को दर्शाते हैं भैया खाना है सिंपल सी बात है अगर जिंदा रहना है तो आपको खाना खाना पड़ेगा यानी न्यूट्रिशन जरूर लेते होंगे ठीक है न्यूट्रिशन जरूर लेते होंगे अब जो खाया है उसको पचाते जरूर होंगे अब वो हर किसी में हर एक लिविंग बीइंग में अलग प्रोसीजर होता है लेकिन होता तो है ना यानी डाइजेशन जरूर होता होगा ओके जो खाया है उसमें से जो वेस्टेज है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना यानी एक्सक्रीशन उत्सर्जन जरूर होता होगा देन उसके बाद में आपका रिप्रोडक्शन भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है अगर रिप्रोडक्शन प्रजनन नहीं होगा तो आपकी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी आपकी प्रजाति ही स्पेसीज ही खत्म हो जाएंगी। अपनी स्पेसीज को आगे बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते होंगे ठीक है रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन करते होंगे एक ही और आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है क्या कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी भी तय है ठीक है यानी लाइफ साइकिल को सारे के सारे लिविंग बींग्स आपके क्या करते हैं दर्शाते हैं जन्म लिया है तो मृत्यु भी होगी ओके अब क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि ये मैम आपने प्रोटोप्लाज्म जो लिखवाया था ये प्रोटोप्लाज्म क्या है सेल ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया तुम्हें लेकिन प्रोटोप्लाज्म ये जो आपने जीव द्रव्य लिखा है भैया ये किस चिड़िया का नाम है इसको समझा दो जरा हमें ठीक है ये जो आपका जीव द्रव्य है इसका क्या खेल है इसको जरूर बताइए तो प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य आपका दो चीजों से मिलकर बना होता है एक होता है आपका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य और एक होते हैं आपके सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग ठीक है अब देखो आपका क्या है बच्चा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारी कोशिका के अंदर आपका कुछ लिक्विड जैसा पाया जाता होगा लेकिन नहीं हमारी कोशिका के अंदर आपका बेटा सोलिड और लिक्विड दोनों ही पार्ट पाए जाते हैं यदि आपसे कोई बोले कि क्या हमारी कोशिका में कोई ठोस पार्ट पाया जाता है तो आप बोलेंगे हाँ ये जो सेल ऑर्गेनल है ये कोशिका का सोलिड पार्ट होते हैं और ये जो बच्चा साइटोप्लाज्म है ये कोशिका का लिक्विड पार्ट होता है ये कोशिका का आपका लिक्विड पार्ट होता है यानी कोशिका द्रव्य जो है कोशिका द्रव्य जो है ये कोशिका का लिक्विड पार्ट है और जो बच्चा आपका कोशिकांग है जो आपके कोशिकांग यानी कोशिका के अंग अंग कोशिकांग से पता लग रहा है है ना कोशिका के अंग, ये आपके क्या है बच्चा सोलिड पार्ट होते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एक स्टेटमेंट दी थी कि प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म इज अ इज अ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है जी यानी जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है जीवन का भौतिक आधार है यह बात किसने कही जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है यह बात किसने कही बताइए यह बात किसने कही इस बात को कहने वाले एक्चुअल में आपके कौन थे बच्चा जूलियस हग्जले किसने कही ये बात आपके कहने वाले असलियत में थे जूलियस हग्जले साहब ठीक है क्लियर लेकिन इसको एक्सप्लेन किया था आपके पुरकिंजे ने अधिकतर आपको अपने ऑप्शन में पुरकिंजे ही ऑप्शन मिलेगा लेकिन यदि ऑप्शन ऐसा ना हो कि पुरकिंजे उसमें ना दिया हो और जूलियस दिया हुआ हो तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को जूलियस हग्जले सही आंसर लगा के आ जाना है लेकिन सिर्फ उस केस में जब आपका पुरकिंजे ऑप्शन में ना दिया हो क्योंकि आपका एग्जामिनर पुरकिंजे को ही सही मानता है क्लियर ओके okay. अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि मैम मेटाबोलिज्म क्या होता है चलो भैया समझ लेते हैं आपका कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है Metabolism, बच्चा आपके शरीर के अंदर होने वाली जो होती है। हमारे शरीर के अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं यानी हमारे शरीर के अंदर जो आपकी जैव रसायन जो आपकी जैव रसायन अभिक्रियाएं होती हैं जैव रसायन अभिक्रिया होती है यही आपकी मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयन कहलाती है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयन कहलाती है अब ये मेटाबॉलिज्म आपका दो टाइप से होता है ठीक है ये आपका दो टाइप से होता है एक होता है एनाबोलिज्म एक होता है बच्चा आपका एनाबोलिज्म और एक आपका होता है क्या कैटाबोलिज्म ठीक है जी क्या बच्चा आपका कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म यानी उपचयन ये होता है आपका उपचयन और कैटाबोलिज्म आपका अपचयन एना एना शब्द से आप सीखेंगे क्या एड क्या बच्चा आपका एड यानी जब आपके छोटे 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 छोटे, -छोटे मोलिक्यूल्स मिलकर छोटे छोटे मोलिक्यूल्स मिलकर किसी बड़े मोलिक्यूल का निर्माण करें आपके शरीर के अंदर की ही बात हो रही है तो ये आपका कहलाता है एनाबोलिज्म यानी उपचयन जैसे छोटे छोटे आपके अमीनो एसिड्स मिलकर छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो प्रोटीन आपका किस में आएगा मतलब ये आपकी रिएक्शन जो होगी ये किस में आएगी एनाबोलिज्म में आएगी ठीक है कैटबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई आपका बड़ा पार्टिकल छोटे-छोटे छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट जाता है छोटे-छोटे पार्टिकल में टूट जाए इस प्रोसीजर को हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसीजर जैसे कि आप खाना खाते हो है ना आप खाना खाते हो तो आपकी भैया मेरे ख्याल से ऋषभ मैं पूरी हिंदी लिख रही हूं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हर एक चीज हिंदी में लिखी हुई है हिंदी तो होती नहीं है मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगी मैं आपकी कोई आपके सामने बड़े बड़े पैराग्राफ या आपके सामने कभी कोई पीपीटी रिप्रेजेंट नहीं करूंगी पूरा बैच आपको इसी तरह से हाथ से लिखकर पढ़ाऊंगी लेकिन एक चीज याद रखना जितना मैं बोर्ड पे लिखू ना वो मोस्ट मोस्ट टेंट होगा बोर्ड पर जो चीज मैंने एक बार लिख दी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा एग्जाम चाहे कोई भी हो आपका पढ़ना तुम्हारी जिम्, जिम्मेदारी है पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है ओके जी चलो कैटाबोलिज्म

ओके okay, इसको हिंदी में आपका अपचयन कहते हैं क्या बोलते हैं अपचयन बोलते हैं ठीक है जी जैसे कि आपका डाइजेशन यानी पाचन की क्रिया और आपका रेस्पिरेशन और आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन और आपका रेस्पिरेशन यानी श्वसन भाई सीजीएल वाले वाले बिल्कुल ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि महापैक वाले बच्चों को न्यूट्रिशन लिखा था, था यानी पोषण अब पोषण का हमारे शरीर में कैसे क्या कनेक्शन है इसको भी समझते हैं देखो यदि न्यूट्रिशन के टर्म में लिविंग बींग्स को डिवाइड किया जाए यदि पोषण के टर्म्स में आप लिविंग बींग्स यानी सजीव को डिवाइड करोगे तो ये दो हिस्सों में टूटते हैं एक होते हैं एक एक होते हैं और एक होते हैं हैं और बच्चा हेट्रोट्रोपिकोट्रोपिक ट्रो ठीक है जी यानी आपका स्वापोसी और परपोषी स्वापोसी और परपोषी ठीक है स्वापोषी जो अपना खाना खुद बनाते हो स्वापोषी जो अपना खाना खुद बनाते हो जैसे कि आपके प्लांट्स, है ना भाई प्लांट्स आपके खाना खुद बनाते हैं जैसे कि फंजाई अपना खाना खुद बनाती हैं, यानी वो सारी चीजें जो अपना खाना खुद बनाते हो वो आपका किसमें फंजाई नहीं आएगा इधर आपका एलगी लिखोगे ठीक है एलगी यानी सहवाल हर वो चीज जो अपना खाना खुद बनाती हो किसमें आएगी बच्चे आपके में आएगी खाने के लिए जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं निर्भर होते हैं वो परपोषी कहलाते हैं वो आपके परपोषी कहलाते हैं ठीक है गुड इवनिंग गुड इवनिंग कोई बात नहीं लेट हो गए तो ओके हाँ बच्चा जो भी मैं लिख रही हूँ उसकी सबकी आपको पी मिलेगी डोंट वरी वो आपके परपोसी कहलाते हैं जैसे कि एनिमल्स जानवर और क्या बच्चा आपके ह्यूमंस मैम हम लोग परपोषी कैसे हैं सिंपल सी बात है या तो हम लोग घास फूस खाते हैं या फिर हम लोग क्या खाते हैं मांस मछी खाते हैं घास फूस आप लोगों को ये नहीं है पार्क वाली घास घास मैम हमने तो कभी नहीं देखा किसी को खाते हुए खाते हुए खाते साग जो आप लोग खाते हो सरसों का साग ठीक है जितनी भी आपकी सब्जियां होती हैं ये क्या आएंगी आपकी वेज उसमें तो आती है ये आपकी किस में आती है वेजिटेशन में आती है यानी कि आप लोग खाने पीने के लिए या तो प्लांट पर डिपेंड है या फिर आप लोग नॉन वेज खाते हैं यानी कि आप लोग मांस मछी पर डिपेंड है एक ही बात है आपकी ठीक है एक ही बात है बिल्कुल घिया टिंडा देखो वंदना कह रही है यस मैम हम लोग घिया टिंडा खाते हैं बिल्कुल अगला टर्म मैंने आपको लिखवाया था क्या बच्चा रिप्रोडक्शन यानी प्रजन रिप्रोडक्शन यानी कि आपका प्रजन ओके

कुछ बेसिक चीजें सीखेंगे फिर डिटेल में आगे बढ़ेंगे जैसे साइटो शब्द का मतलब होता है सेल यानी कोशिका और लोजी शब्द का मतलब होता है टू स्टडी यानी अध्ययन करना ठीक है विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका का, का अध्ययन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं कोशिका विज्ञान कहते हैं उसको हम कोशिका विज्ञान कहते हैं सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है फादर ऑफ साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान के पिता आपके कौन हैं तो कोशिका विज्ञान के पिता हैं आपके रॉबर्ट हुक साहब कौन बच्चा रॉबर्ट हुक साहब इन्होंने 1665 में कोशिका की खोज की थी कैसे की थी उस पर अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे ओके अगला क्वेश्चन ये साइटोलॉजी शब्द किसने दिया ये साइटोलॉजी शब्द आपका किसने दिया तो हार्टविग ने दिया ये किसने दिया आपका हार्ट विग ने दिया ओके जी ये आपका हार्ट विग ने दिया चलो जी अब देखो ये जो आपका फादर ऑफ साइटोलॉजी हमने रोबर्ट हुक को क्यों कहा इन्होंने बच्चा पेड़ की एक छाल ली और सोलह में बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे बहुत अच्छे आपके माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी नहीं हुआ करते थे तो इन्होंने अपने ही हाथ से बने हुए सूक्ष्मदर्शी से यानी खुद से निर्मित इन्होंने खुद से ही निर्मित एक से, से निर्मित एक सूक्ष्मदर्शी से, से खुद एक सूक्ष्मदर्शी के जरिए जब उस पेड़ की छाल को सूक्ष्मदर्शी पर देखा तो उन्हें कुछ मधुमक्खी के छत्ते के आकार के जैसा मधुमक्खी के छत्ते के आकार की जैसी संरचना दिखाई दी ठीक है संरचना इनको दिखाई दी और बच्चा क्या हो गया भैया ये इस मधुमक्खी की संरचना में बहुत सारा स्पेस बीच में खाली था बहुत सारा स्पेस बीच में खाली था इस खाली स्थान को इन्होंने सैला कहा सैला का मतलब होता है रूम यानी खाली जगह और इस सैला शब्द से ही बाद में सेल यानी कोशिका शब्द की उत्पत्ति हुई ठीक है? लेकिन कुछ समय बाद हमें पता लगा कि हुक ने जो कोशिका की खोज की है वो एक्चुअली में डेड सेल है वो एक्चुअली में डेड सेल है मृत कोशिका है लेकिन हमारा शरीर तो आपका मृत कोशिकाओं से मिलकर नहीं बना है इसके बाद 1676 में 1676 में आपके एवी ल्यूवेन होक साहब आए एवी ल्यू होक साहब आए और इन एवी ल्यूवेन वन होक साहब ने आपका कहा कि हमारा जो शरीर है ये आपका जीवित कोशिकाओं से मिलकर बना है लिविंग सेल से मिलकर बना है बारिश का सीजन था ये अपने गार्डन में नहा रहे थे बारिश के सीजन में तो इनके हाथों में पार्क से कुछ अजीब सी मिट्टी लगी सोलह में अच्छे खासे माइक्रोस्कोप आपके जब तक डेवलप्ड हो चुके थे जब माइक्रोस्कोप पर क्योंकि देखो साइंटिस्ट का दिमाग हमेशा चलता रहता है जब इन्होंने उस माइक्रोस्कोप पर उस मिट्टी को रख के देखा तो उस मिट्टी में कुछ आपका इनको कुछ चीजें मूवमेंट नजर आया ठीक है जब मूवमेंट नजर आया तो इन्होंने उस पर फिर और स्टडी की तब इन्हें पता लगा कि हमारे शरीर के अंदर लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, यानी इन्हें जो मट, मिट्टी के अंदर वो घूमती हुई चीजें जो मूवमेंट नजर आया था वो था किसका बैक्टीरिया यानी जीवाणु का तो यदि आपसे पूछा जाए कि जीवाणु की खोज किसने की तो आप लोग आंसर लगाओगे ए.वी. वी साहब ने जीवाणु की खोज की ठीक है स्पर्म सेल्स की खोज शुक्राणुओं की खोज स्पर्म सेल्स यानी शुक्राणुओं की खोज किसने की तो भी आप लोग आंसर लगाओगे तो भी आप लोग आंसर लगाओगे किसने की ए वी होक साहब ने की ठीक है जी क्लियर बच्चा प्रोटोजोआ की खोज प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ की खोज किसने की आपके ए वी ल्यूवेन होक साहब ने की ठीक है ए वी ल्यूवेन होक साहब ने की ओके इतनी बड़ी खोज करने के बाद में इनके दिमाग में क्वेश्चन आया क्यों ना एक किताब लिखी जाए क्यों ना एक किताब लिखी जाए तो इन्होंने एक बुक लिखी सीक्रेट ऑफ नेचर सीक्रेट ऑफ नेचर भाई इतनी बड़ी चीजों की खोज की तो इन्होंने बोला कि ये तो एक नमूना है प्रकृति में बहुत सारे रहस्य आपके छिपे हुए हैं जिन्हें आज तक भी हमारी साइंस का हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं साइंस टेक्नोलॉजी के बाद में जैसे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कैसे पता लगता है कि सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है

आपने उन सब में कभी भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का नाम नहीं सुना है दैट्स मीन कि इंडिया में तो देखो साइंस उस समय पर डेवलप हो चुकी थी जब शायद लोग जानते भी नहीं थे इस चीज के बारे में है ना सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण हमें तब से पता है और ये कहा भी जाता है कि जो आपकी जो आपकी इंडियन माइथोलॉजीज हैं, उनमें जो आपकी चीजें लिखी हुई मिलती हैं, जो समय लिखा हुआ मिलता है वो एग्जैक्ट आपका फिगर नासा से मैच करता है आने वाले 500 या हजार साल में चंद्र कब पड़ेगा ये भी उनमें लिखा हुआ है सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा ये भी लिखा हुआ है समय के साथ है ना कितने हैं हम में से जिन्होंने वेद पढ़े पढ़े होंगे होंगे उपन्यास है ना या फिर हमने उपनिषद वगैरह पढ़े होंगे कुछ नहीं पढ़ते हम लोग है ना नहीं पढ़ते क्योंकि समय नहीं है हम लोग बस वही बचपन से किताबों में चलते रहते हैं हम लोगों ने बच्चों को ऐसा बना दिया है कि अगर तुम्हारे 90 परसेंट मार्क्स आ रहे हैं तो ओके तुम बहुत बढ़िया हो 60 परसेंट मार्क्स आ रहे हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी है तो तुम बेकार हो है ना कुछ ऐसे ही आपकी आज के समय में क्या करे सोच ऐसी ही हो चुकी है लेकिन एक्चुअली में यदि देखा जाए तो हमारा जो आपका हिस्ट्री वाला बेटा पार्ट है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है ना वो बहुत ज्यादा आपका डेवलप्ड है इस पर कभी डिटेल में बात करेंगे अभी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं इसके बाद में अठारह में अठारह में दो साइंटिस्ट आए स्केलेडन एंड टी स्वान एंड टी स्वान साहब ये दो बच्चे आपके साइंटिस्ट आए इन्होंने अपनी सेल थ्योरी निकाली यानी कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया इन्होंने सेल थ्योरी निकाली यानी आपका का के बारे में इन्होंने बताया। अब इस सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बताया इन्होंने बोला सुनो मेरी बात भैया तुम सबने बहुत बढ़िया बढ़िया खोज की है लेकिन एक जगह तुम लोग चूक गए बोले भैया वो क्या कि देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल ये तो तुमने बता होती हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका एक दूसरे से अलग अलग होंगी अच्छा ऐसे ही तुम तो मतलब कुछ भी हवा में बोलोगे हम मान लेंगे इसी के लिए इन्होंने ये सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत निकाला था इन्होंने बोला कि देखो सुनो मेरी बात प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल पाई जाती है कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन एनिमल सेल्स में यानी हमारे अंदर सेल वॉल कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती हमारे अंदर कोशिका भित्ति आपकी नहीं पाई जाती इसके बाद में आते हैं आपके 1855 में रडाल्फ वर्चाव कौन आए आपके रडाल्फ वर्चाव आए अब रोडाल्फ वर्चाओ ने भी अपनी एक बात कही इन्होंने बोला जब तुम सबकी बात सुन रहे हो तो एक हमारी भी सुनते जाओ थोड़ी बहुत नॉलेज हमको भी होगी भैया थोड़ा चलो हम भी बरसाएं रोडाल्फ वर्चाओ ने कहा ओमनी सेल्यूला ई सैल्यूला मैम कुछ समझ नहीं आया कौन सी लैंग्वेज है? है ना अभी तो हम आपसे हिंदी बोल रहे थे अब देखो यदि तुम लोग हिंदी हिंदी ज्यादा चिल्लाओगे तो इस लैंग्वेज में पढ़ना पड़ जाएगा तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगी इन्होंने दी तो आप लोग आंसर लगाओगे रोडाल्फ वर्चाओ ने दी थी अट्ठारह में इसको हिंदी और इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि ऐसे हमारी बात आगे बढ़ेगी नहीं इन्होंने बोला प्री एग्जिस्टिंग प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल सेल टू सेल यानी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से किससे बच्चा आपकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही मिलकर ही नई कोशिका बनती है अब देखो तुम्हारी बिल्कुल समझ में आ गया होगा है ना लेकिन भैया देखो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज होती है जैसे हमारी हिंदी है इंग्लिश है है ना ओके जी ठीक है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ही आपकी नई कोशिका बनती है भाई मेरे यहाँ से कोई साउंड इशू भी नहीं है और मेरे यहाँ से कोई वीडियो का भी इशू नहीं है मेरे यहाँ से सब कुछ ठीक चल रहा है सब कुछ ठीक चल रहा है एक बच्चा कह रहा है मैम ये आपने हरियाणवी लिखी है बिल्कुल हम्म चलो भाई ठीक है ओके अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जितना भी मतलब ये आपका लिविंग बींग्स है इनमें सबसे छोटी कोशिका किसकी है चलो बताओ गैस करो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मुझसे बहुत समय से पढ़ रहे हैं बताइए सबसे छोटी कोशिका किसकी है तो सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है आपकी बताओ फटाफट बिल्कुल सही बताया जो बच्चे पहले पढ़े हुए हैं माइको प्लाज्म की देखो जो बच्चे ऐसे लग रहे हो ना अच्छा ये बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं है ना हम तो नहीं आंसर कर पा रहे हैं तो उसका एक ही सिंपल सा आपका फॉर्मूला है भाई वो बच्चे मुझसे पिछले महीने से लगातार पढ़ रहे हैं आप लोग भी उन्हीं की तरह आंसर करते रहेंगे यदि आप लोग कॉन्टिनिटी में क्लासेस को करते रहेंगे ओके माइक्रो प्लाज को, को लेकर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको हम एनिमल और प्लांट किंगडम का इसको हम एनिमल और प्लांट किंगडम का एनिमल एंड प्लांट किंगडम का एंड प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं क्या कहते हैं जोकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम का जोकर किसको कहा जाता है तो माइकोप्लाज्म को कहा जाता है सबसे बड़ी कोशिका किसकी है लार्जेस्ट सेल बताइए सबसे बड़ी कोशिका यानी लार्जेस्ट सेल किसकी है लार्जेस्ट सेल किसकी होती है सतुर मुर्ग की सतुर मुर्ग के अंडे की ठीक है जी? सतुर मुर्ग के अंडे की आपकी सबसे बड़ी कोशिका होती है, है? है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है मनुष्य के, के शरीर में मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका सबसे लंबी कोशिका कौन सी है लॉन्गेस्ट सेल पूछिए इस बार मैंने हमारे शरीर के अंदर सबसे लंबी कोशिका कौन सी है लॉन्गेस्ट सेल न्यूरोन कौन सी है बच्चा आपकी न्यूरोन है यानी कि तंत्रिका तंत्रिका जो कहा पाई जाती है आपके ब्रेन के अंदर यानी मस्तिष्क के अंदर ये पाई जाती है आपके ब्रेन यानी मस्तिष्क के अंदर बच्चा ये आपकी पाई जाती है एनी डाउट ठीक है, ठीक है बच्चा? Okay. की पर कुछ एक दो दिन से आपको इन्फॉर्म कर दूंगी ठीक है मैं आपको इस चीज के लिए इन्फॉर्म कर दूंगी चलो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन, कौन सी है हमारे शरीर की स्मोल सेल कौन सी है सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो कहाँ पाई जाती है आपके ब्लड के अंदर पाई जाती है कहां पाई जाती है आपके खून के अंदर अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे ये स्मोलेस्ट सेल है लेकिन यदि पूछा जाए कि हमारे शरीर की यानी मनुष्य के शरीर की मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी सबसे छोटी जनन कोशिका सबसे छोटी जनन कोशिका यानी कि आपकी सबसे छोटी गोनेड सेल स्मोलेस्ट गोनेड सेल कौन सी है तब आप लोग आंसर लगाओगे स्पम सेल्स यानी सुक्राणु स्पम सेल्स यानी सुक्राणु जो मेल के अंदर पाए जाते हैं ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सी है यानी लार्जेस्ट गोनेड ग्लैंड लार्जेस्ट गोनेड ग्लैंड कौन सी है तब आपका आंसर होगा ओवा यानी अंडाणु जो आपके फीमेल में पाए जाते हैं ओवा यानी अंडाणु जो आपके फीमेल में पाए जाते हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आप बहुत सारे बच्चे आंसर बिल्कुल सही सही दे रहे हैं ठीक है क्लियर अब ये कुछ बेसिक मैंने आपका तैयार कराया है अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ चैप्टर आपका कल भी यही चलेगा बहुत सारा बेटा इसमें आपका डेटा है चैप्टर में जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है मेरी कोशिश यही रहेगी कि एग्जाम चाहे तुम्हारा कोई भी हो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए है ना चाहे आप रेलवे एग्जाम देने चले जाओ चाहे तुम लोग इवन यदि तुम लोग बेटा यूपीएससी का प्री भी देने जाओगे तो भी छब्बीस तो आने लगी है ठीक है प्री की ही बात कर रही हूँ अब हम लोग बात करेंगे मैम ये जो इतनी देर से आप हमें बता रहे हो सेल सेल इस सेल के अंदर क्या है चलो थोड़ा इसके अंदर एंट्री की जाए पार्ट ऑफ सेल ठीक है पार्ट ऑफ सेल तो देखो बच्चा सेल के ऊपर सबसे ऊपर आपकी पाई जाती है एक मेम्ब्रेन मैं एनिमल सेल की अभी बात कर रही हूँ ठीक है सबसे ऊपर आपकी क्या पाई जाती है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं यानी कोशिका झिल्ली ठीक है सबसे ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैम्ब्रेन सेल मैम्ब्रेन या प्लाज्मा मैमब्रेन सब इसी के ही नाम है कोशिका झिल्ली, ठीक है क्या बच्चा आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाती है ओके ठीक बात भाई कोशिका झिल्ली पाई जाती है अब यहाँ पर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपका एक लिक्विड भरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आपका साइटोप्लाज्म, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपका बताया था साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य है। ठीक है कोशिका द्रव्य है। ओके फिर उसके बाद में बच्चा क्या बेटा वो आपका मैं ये आपको भी एनिमल सेल बता रही हूँ वो प्लांट सेल अलग है वो प्लांट सेल अभी आपकी अलग है भाई फिर उसके बाद में बच्चा अंदर होता है सबसे अंदर आपका न्यूक्लियस अब प्लांट सेल की यदि हम बात करें तो प्लांट सेल कुछ कुछ आपको रेक्टेंगल जैसी नजर आती है ठीक है कुछ कुछ रेक्टेंगल जैसी नजर आती है और एनिमल सेल्स आपको कुछ सर्कुलर जैसी नजर आएंगी प्लांट सेल में सबसे ऊपर होती है सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जो एनिमल सेल्स में नहीं पाई जाती इसमें सेल वॉल यानी सबसे ऊपर वाली लेयर कोशिका भित्ति पाई जाती है ठीक है जी कोशिका भित्ति पाई जाती है फिर सेम होता है फिर सब कुछ सेम ही होता है यहाँ पर बेटा आपकी अंदर वाली लेयर वही एज यूजल फिर होगी आपकी membrane, कोशिका यहां हो आपका एक जिसको हम बोलेंगे क्या साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य फिर उसके बाद में अंदर होता है आपका क्या न्यूक्लियस यानी आपका केंद्रक यानी आपका केंद्रक ओके okay? और यहीं पर अंदर बिखरे पड़े होते हैं आपके सेल ऑर्गेनलस इस साइटोप्लाज्म में ही आपके बिखरे होते हैं सेल ऑर्गेनलस यानी आपके कोशिकांग जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि प्रोटोप्लाज्म अब तुम्हें पूरा क्लियर समझ में आएगा कि प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य किस किस से मिलकर बना था साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनलस से यानी जीव जीव द्रव्य और कोशिकांग कोशिका द्रव्य और कोशिकांग से मिलकर बना था प्रोटोप्लाज्म तो अब तुम्हें समझ में कि प्रोटोप्लाज्म कैसे बना होगा ठीक है क्लियर जी ओके चलो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है जब यहाँ पर सेल वॉल का जिक्र छिड़ ही गया है तो कुछ सेल वॉल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे बैक्टीरिया यानी जीवाणु बैक्टीरिया यानी जीवाणु की वॉल किससे बनी होती है जीवाणु की सेल वॉल किससे बनी होती है तो जीवाणु की आपकी कोशिका भित्ति बनी होती है पैप्टीडोग्लाइकोन पैप्टीडोलाइकोन ठीक है पैप्टिडोग्लाइकोन म्यूरेमिक एसिड ठीक है पैप्टीडोग्लाइकोन म्यूरेमिक एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर म्यूरेमिक एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर एग्जैक्ट आंसर आपका ये होगा लेकिन आपको ऑप्शन में पेप्टिडोग्लाइकोन सबसे ज्यादा मिलेगा सबसे ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकोन मिलेगा बट एक्चुअली में पेप्टिडोग्लाइकोन अमीनो एसिड और म्यूरेमिक एसिड से मिलकर आपका हाँ बच्चा रिकॉर्डेड बिल्कुल मिलेगा आपका लेक्चर मेरा म्यूरेमिक एसिड से मिलकर बनता है कवक यानी कि आपकी किसकी फंजाए की कवक यानी फंजाई की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है तो आप आंसर लगाओगे काइटीन से किससे बच्चा ये आपकी काइटीन से मिलकर बनी होती है ठीक है जी ये आपकी से मिलकर बनी होती है ओके क्लियर शैवाल यानी एलगी शैवाल यानी एल्गी की कोशिका भित्ति शैवाल यानी एलगी की कोशिका भित्ति आपकी किस से मिलकर बनी होती है तो आप आंसर लगाओगे सेल्यूलोज किसे? इसकी कोशिका से मिलकर बनी होती है। ओके सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है हमारे अब सेल वॉल हो गई सेल वॉल के अंदर अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन तो सेल मेम्ब्रेन की हमारे शरीर में जरूरत क्यों है या कोशिका को जरूरत क्यों है सेल मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर आपकी एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है या फिर यू कहिए अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है कोशिका के लिए किस चीज की जरूरत है ठीक है कौन सी चीज जरूरी है या नहीं है इन सब का चयन करने का काम होता है इस सेल मेम्ब्रेन का जो चीज हमारी कोशिका के लिए जरूरी है ये उसको एंट्री कराती है आपकी कोशिका के अंदर ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको लेकर आपके दो साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलजन दो साइंटिस्ट हैं सिंगर गाने वाला सिंगर नहीं सिंगर एंड निकोलजन ये सिंगर और निकोलजन ने आपका एक फिलिड मोजैक मॉडल दिया बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिलुड मोजैक मॉडल किसने दिया तो फिलुड मोजैक मॉडल आपका किसने दिया बच्चा सिंगर और निकोलजन ने दिया जिसमें इन्होंने बताया कि कोशिका में जो सेल मेमब्रेन पाई जाती है कोशिका में जो सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली पाई जाती है ये बाई लेयर्ड है ये बाई लेयर्ड है दो परतों से मिलकर बनी है दो परतों से मिलकर बनी है और ये परत किस किस से मिलकर बनी थी आपकी ये परत मिलकर बनी थी फोस्फो से किससे बच्चा आपकी ये परत फोस्फो से मिलकर बनी थी ठीक है ये आपकी फोसफो लिपिड से मिलकर बनी थी ठीक है ओके यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका जो ये हेड वाला पार्ट है ये जो हेड वाला पार्ट है ये किससे मिलकर बना है तो आप लोग आंसर लगाओगे ये फोस्फेट से मिलकर बना है और जो टेल है जो ये टेल वाला हिस्सा है पूछ है ये लिपिड से मिलकर बनी है ये वसा से मिलकर बनी है अगला क्वेश्चन कौन सा हिस्सा पानी में घुलनशील है सेल मेम्ब्रेन का कौन सा हिस्सा पानी में घुलनशील है तो आप बताओगे देखो लिपिड्स का मतलब क्या है आपका वसा तेल घी कभी आपने पानी में घुलते देखे हैं नहीं ना यानी जो आपका फोस्फेट ग्रुप होता होगा ये आपका हाइड्रोफिलिक होता है ये आपका हाइड्रोफिलिक यानी पानी में घुलनशील होता है और जो टेल होती है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है ये आपका हाइड्रोफोबिक होता है यानी पानी में आ होता है पानी में आ होता है ठीक है जी क्लियर बच्चा हाँ लिपिड्स नहीं घुलेंगे आपके लिपिड्स नहीं घुलेंगे आपके ओके जी समझ आया ओके ठीक है यहाँ तक पूरे चैप्टर में यदि कोई डाउट है तो आप लोग पूछिए कोई भी यदि आपका डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं पूरे चैप्टर में यदि कोई भी डाउट है पीडीएफ बच्चा अभी आपको मिल जाएगा दो तीन घंटे में विजिबल हो जाएगा <coughs> देखो मैं यहाँ से क्लास को एंड करूंगी तो आपका कुछ लगभग कुछ समय लगता है आपका क्लास की प्रोसेसिंग में डेटा चेक करने में पूरा लेकिन आपको क्लास विजिबल जरूर रहेगी ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लास आपको नहीं मिलेगी या ये डिलीट हो जाएगी नहीं आपको रिकॉर्डेड क्लास सारी मिलेंगी

अच्छी लगी यदि आप, लोगों को क्लास, तो बच्चा, प्लीज, सारे बच्चे आप हमें वहां पर बता सकते हैं और जो बच्चे आज ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी चली होगी यदि आप लोग इस तरह की क्लासेस कंटिन्यू हमसे करना चाहते हैं मुझसे करना चाहते हैं तो आप लोग बैच में जो भी आपका एग्जाम है उस बैच के हिसाब से बच्चा आप लोग फटाफट से एडमिशन ले लीजिए क्योंकि आज से ये क्लासेस बैच में आपकी लाइव शुरू हो चुकी हैं ओके चलो जी थैंक यू मैम नाइस क्लास बहुत अच्छी क्लास मैम ओके मैम बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया इतना सारा बढ़िया ना आप लोगों को फीडबैक में दिखाना है तब मैं मानूंगी ओके जी क्लियर चलो अब आपसे बच्चा कल मिलेंगे बाय बाय टेक केयर जय हिंद